नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में तरह तरह के ओवरले लगा सकते हो, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगा सकते हो, इसके अलावा स्कोर बोर्ड लगा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट चल रहा है जिसमें आपको अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इसमें आप देख रहे हो कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, यानी आप यहां कलर्स भी चेंज कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगा सकते हो। इसके अलावा यहां पर ऊपर की साइड आप देख रहे हो, यहां पर एक लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा मेरा नाम यहां पर आ रहा है, तो इस तरह का नाम भी आप यहां पर लगा सकते हो, यानी आप इसमें लोअर थर्ड्स भी लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका कोई न्यू चैनल है तो न्यू चैनल के लिए आपको यहां पर इस तरह के RSS फीड के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ओवरलेज आप यहां पर लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई लोकल क्रिकेट मैच हो रहा है जिसे आप लाइव करना चाहते हो, तो उसके लिए स्कोर बोर्ड भी यहां पर मिल जाता है। इस तरह का स्कोर बोर्ड यहां पर आप देख रहे हो, स्कोर बोर्ड को आप अपडेट कर सकते हो, सारा काम आप यहां पर कर सकते हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट पर पहुंच जाना है। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यह है overlays.uno। आप डायरेक्ट overlays.uno सर्च करके भी इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे आपको यहां पर ओवरलेज मिल जाएंगे, टिकर मिल जाएंगे, स्क्रॉलिंग टैक्स, सारे ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं। और इस वेबसाइट को आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। इस समय ये पूरी तरह से फ्री है, कोई भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट को, इन ओवरलेज को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर साइनअप करना होगा। साइनअप का यहां पर एक बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, एक पासवर्ड आपको यहां पर क्रिएट कर लेना है, उसके बाद साइनअप पर क्लिक कर देना है। एक ईमेल आपके पास आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपको वेरीफाई कर लेना है और आप यहां पर रजिस्टर हो जाओगे। तो यहां पर मैंने पहले से ही साइन अप कर रखा है, तो मैं यहां पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा। अब इसके बाद यहां पर जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट करा था, वो आपको ईमेल आईडी यहां पर दे देनी है, पासवर्ड यहां पर दे देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर अब हम लॉगिन हो चुके हैं। इस साइड आप देख रहे हो, आपको यहां पर एक होम का बटन दिख रहा है, लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है, माई ओवरलेज का ऑप्शन आ रहा है, इस तरह के आपको बहुत सारे ऑप्शन यहां देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहां लाइब्रेरी पर क्लिक करके मैं दिखाता हूं आपको इसके अंदर क्या क्या माल मसाला मिलने वाला है। जैसे ही आप लाइब्रेरी पर क्लिक करते हो, यहां पर आपको हजारों ओवरलेज मिल जाएंगे। इसके अलावा इनमें आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो किस तरह का आपको ओवरले चाहिए। तो इस साइड आप देख रहे हो, यहां पर फिल्टर्स का ऑप्शन आ रहा है, किस टाइप का आपका ओवरले आपको चाहिए, बेसलाइन, वर्ग, फुल स्क्रीन, इमेज लूप, लोअर थर्ड, पैकेज, या फिर आपको स्कोर बोर्ड चाहिए, टिकर चाहिए, लाइव चाहिए, टाइमर चाहिए, टाइटल बार चाहिए, क्या आपको चाहिए, क्या आपकी कैटेगरी है, उसके हिसाब से आप यहां पर इसे फिल्टर कर सकते हो। RSS फीड, थीम वगैरह सब कुछ यहां पर आपको मिल जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जैसे मान लो आपको लोअर थर्ड चाहिए, तो आप लोअर थर्ड पर टिक करोगे तो यहां पर आपको लोअर थर्ड वाले सारे ऑप्शंस यहां आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको यहां पर अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग हम यहां पर मान लो टिकर हमें सिलेक्ट करना है, तो टिकर आप अलग से सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें जो टिकर वाली वीडियो होंगी, जो ओवरलेज होंगे, वो आपके यहां पर आ जाएंगे। जो भी टिकर आपको अच्छा लगता है वो आप यहां से सिलेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके अलावा यहां पर एक पैकेज का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब पैकेज के अंदर क्या होगा, पैकेज पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। तो इस तरह के पैकेज भी यहां पर दिए गए हैं, जिनमें आपका लोअर थर्ड भी है और इसके अलावा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी इसके अंदर दी गई है। ये सारे ऑप्शन यानी एक साथ आप पैकेज के रूप में अगर यहां से सिलेक्ट करना चाहो तो वो भी आप यहां से ओवरले सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहां से मान लो कोई भी ओवरले आपको अच्छा लग रहा है, उस ओवरले को आप यूज कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये वाला ओवरले है, ये हमें लग रहा है हमें यूज करना है, तो उसके लिए सिंपल यहां पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहां नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एड टू माय ओवरले। आपको एड टू माय ओवरलेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, अब आप देख सकते हो यहां पर जो हमारा माय ओवरलेज वाला फोल्डर था, इसके अंदर ये हमारा ओवरले ऐड हो गया है। ये आप देख रहे हो, ये हमने ऐड किया है, तो ये हमारा यहां पर ऐड हो गया है। तो जो भी आपके ओवरलेज होंगे जिन्हें आप सिलेक्ट करोगे, वो आपके इस फोल्डर में जाके ऐड हो जाते हैं, माय ओवरलेज वाले फोल्डर में। यहां पर मैंने पहले से कुछ और ओवरलेज यहां पर सेव कर रखे हैं, तो वो भी आप यहां पर देख
देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एक ओवरले सेव कर रखा है, ये है क्रिकेट स्कोर बोर्ड का। अगर आपका कोई लोकल क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, कोई भी मैच है, अगर आप उसे लाइव करना चाहते हो और स्कोर बोर्ड लगाना चाहते हो तो आप इस ओवरले को यूज़ कर सकते हो। इस ओवरले को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, किसी भी ओवरले को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी यहाँ पर कर सकते हो। इसे कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर नीचे की साइड आप देख रहे हो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ओपन का ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी, एडिट, लिंक, ये सब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपको देखना है कि आपका ये स्कोर बोर्ड कैसा दिखाई देगा तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करके उसे देख भी सकते हो। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका स्कोर बोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा ये प्रीव्यू आ रहा है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो 3 डॉट्स हैं इस पर जब हम क्लिक करेंगे, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन पर क्लिक करो। अब यहाँ पर इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिकेट स्कोर बुक का ऑप्शन आ रहा है, कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है और सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। इस पैनल से आप अपडेट कर सकते हो, जैसे रन्स आपको अपडेट करने हैं तो रन्स का ऑप्शन आ रहा है, कौन सी टीम यहाँ पर प्ले कर रही है वो टीम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा रन कितने हो गए, कम हो गए, ज़्यादा हो गए, वो अपडेट कर सकते हो। यहाँ से आप विकेट अपडेट कर सकते हो, ओवर्स अपडेट कर सकते हो, बॉल्स कितनी हो गई वो सब आप अपडेट कर सकते हो, बैट्समैन कौन सा खेल रहा है, क्या उसका नाम है, वो सब आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा बीच में जो ये पैनल दिया गया है ये है कस्टमाइज का पैनल। इस पैनल में आप टीम का नाम यहाँ पर दे सकते हो, टीम का लोगो अगर आपको ऐड करना है, जो भी टीम है, जैसे मैंने यहाँ पर टीम का नाम पाकिस्तान दे रखा है, यहाँ से आप टीम का लोगो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर जो फोल्डर का बटन आ रहा है यहाँ से आप कोई भी लोगो इमेज अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा टीम का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, टीम का टेक्स्ट कलर क्या होगा वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर टीम 2 का नाम मैंने इंडिया दे रखा है, इसके अलावा इसका लोगो मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखा है, तो आप कोई भी अपना लोगो यहाँ पर लगा सकते हो। इसके अलावा टीम 2 का कलर क्या होगा वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। कलर से मतलब ये है कि उसका जो बैकग्राउंड है कलर वो कैसा होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, वो सब सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा प्राइमरी टेक्स्ट कलर क्या होगा, इसके अलावा ग्लॉस इफेक्ट जो आपके स्कोर बोर्ड में आएगा वो आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा जो टारगेट आइकॉन है, टारगेट क्या सेट किया है, तो टारगेट का एक इमेज मैंने यहाँ लगा रखा है। इसी तरह से एक्टिव बैट्समैन का जो आइकन है वो बैटिंग कर रहा है तो यहाँ पर बैट दिखाई देगा, अगर कोई बॉलिंग कर रहा है तो बॉलिंग दिखाई देगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर इमेज भी ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ वर्टिकल पोजीशन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, हाइट का ऑप्शन आ रहा है, आप अपने स्कोर बोर्ड की हाइट को, वर्टिकल पोजीशन वगैरह को यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपका प्रीव्यू विंडो का ऑप्शन आ जाता है। प्रीव्यू अगर आपको ऑन करके रखना है तो यहाँ से ऑन करके रख सकते हो, और ऑफ करना है तो ऑफ करके रख सकते हो। इसके अलावा पैनल मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है और थीम का ऑप्शन आ रहा है, डार्क थीम यूज़ करनी है या आपको लाइट थीम यूज़ करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस ओवरले को आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में कैसे यूज़ करोगे, अब आप लाइव स्ट्रीमिंग चाहे फेसबुक पर कर रहे हो, यूट्यूब पर कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो उसमें आप इसे ऐड कर सकते हो। चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, OBS है, प्रिज्म लाइव स्टूडियो, कोई भी ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उसमें भी आप इसे लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप मोबाइल पर किसी ऐप के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, जैसे प्रिज्म लाइव ऐप है, कोई भी एप्लीकेशन है जिससे आप लाइव करते हो मोबाइल फ़ोन से, तो उसमें भी आप इस ओवरलेज को ऐड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर OBS स्टूडियो में इसे लगा के दिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर ऊपर की साइड देख रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, ये है हमारा कॉपी आउटपुट URL, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो ये URL कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमें अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। OBS स्टूडियो के अंदर मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड वीडियो लगा देता हूँ, ये मैंने एक बैकग्राउंड वीडियो यहाँ पर लगा दी है। और उसके बाद यहाँ पर सोर्सेज में प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्राउजर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, इसका कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्रिकेट स्कोर बोर्ड इसका नाम दे दिया। उसके बाद हमें ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है URL का। अब जो URL आपने यहाँ से कॉपी किया था उसे हमें यहाँ पर OBS के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग का जो भी आपने रेजोल्यूशन सेट कर रखा है वो यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट उसकी उसी के हिसाब से दे देनी है। तो मैंने यहाँ पर 1920x1080p मैंने
यहाँ पर रख दिया रेजोल्यूशन। अगर आप 720p में कर रहे हो तो आपको वही रेजोल्यूशन यहाँ पर रखना है और उसके बाद सिंपल आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ये हमारा स्कोर बोर्ड कुछ ही सेकेंड में आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्कोर बोर्ड यहाँ पर आ चुका है। इस स्कोर बोर्ड को अपडेट करने के लिए यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट ओपन हो रखी है यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ आप देख रहे हो जो बैटिंग टीम रन्स है ये 210 यहाँ दिखा रहा है, हमारे स्कोर बोर्ड पर यहाँ पर भी 210 दिख रहा है OBS के अंदर। तो अगर मुझे इसे अपडेट करना, मैं यहाँ से इनको बढ़ा दूंगा, मान लो मैं यहाँ पर 215 कर देता हूँ, तो इस तरह से आप बढ़ाओगे। यहाँ जैसे ही मैंने 215 किया हमारे स्कोर बोर्ड के ऊपर तुरंत ही यहाँ ये अपडेट हो गया। इसी तरह से अगर आपको विकेट अपडेट करनी है, यहाँ से विकेट अपडेट कर दो, मैंने यहाँ 5 किया तो यहाँ भी 5 हो गया। इसी तरह से आपको ओवर्स अपडेट करने हैं, यहाँ से आप ओवर्स अपडेट कर सकते हो, बॉल्स अपडेट कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ से अपडेट हो जाएगा। के स्कोर को अपडेट करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि ये वेबसाइट ओपन करके रखो, इसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, यानी जो इसका ओवरले का जो कंट्रोल पैनल है उसे आप OBS के अंदर लेके आ सकते हो। कैसे लेके आओगे, यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर जो पहला ऑप्शन है ये तो हमारा कॉपी आउटपुट URL का था, जिसे हमने URL को कॉपी करके अपने OBS में लगा दिया। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हो यह है कॉपी कंट्रोल URL, तो इस पर आपको क्लिक करना है, इसे कॉपी कर लेना है, उसके बाद इस वेबसाइट को हम बंद कर देंगे, इस वेबसाइट की जरूरत नहीं है। तो इसके कंट्रोल पैनल का URL हमने इसकी वेबसाइट से कॉपी कर लिया है और OBS स्टूडियो में ऊपर की साइड यहाँ आप देख रहे हो एक डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको एक कस्टम ब्राउजर डॉक्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर डॉक नेम और URL दो ऑप्शन आ रहे हैं, URL में आपको वो URL यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल पैनल वाला URL हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसका आप कोई भी नाम दे दो जिससे आपको ध्यान रहेगा, तो मैंने क्रिकेट स्कोर इसका नाम दे दिया। उसके बाद जैसे ही आप इसे अप्लाई पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल पैनल है, इस ओवरले का जो कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पर आ चुका है। इसे आप अपने OBS में कहीं पर भी साइड में लगा सकते हो, फिलहाल मैं इसे साइड में यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको इसकी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो। मान लो हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, अब मुझे इसके अंदर कुछ भी अपडेट करना है तो मैं यहाँ से इसे अपडेट कर सकता हूँ। अब हम वापस इस वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर जो ओवरलेज है मैंने कुछ अपने ओवरलेज यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं, स्कोर बोर्ड का मैंने यहाँ पर दिखा दिया, आप इनमें से देख सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो आप लगा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसे अगर आप सिलेक्ट करोगे, मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूं, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ही आप इसे ओपन पर क्लिक करोगे यहां पर आपको इसके सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और यहां आप देख रहे हो इसका प्रीव्यू भी आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर भी आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक कंट्रोल का, तो ये तो हो गया हमारा कंट्रोल पैनल का, और बीच में जो ऑप्शन आ रहा है ये कस्टमाइज ओवरले का ऑप्शन आ रहा है और यहां पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो हर ओवरले के अंदर ऐसी ही सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर आप देख रहे हो कस्टमाइज ओवरले, जैसे जो हमारा टाइटल है, टाइटल आपको क्या देना है, जैसे मैंने यहां पर टेक्नोश्याम दे रखा है, ये जो टाइटल है यहां पर आप न्यूज लाइव दे सकते हो, कुछ भी आपको अपना नंबर देना है कुछ भी देना है वो आप यहां दे सकते हो। इसके अलावा प्राइमरी कलर, कलर आप यहां से चेंज कर सकते हो, यहां पर ये जो बार दिया गया है इससे आप कलर को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा प्राइमरी टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है, सेकेंडरी कलर का ऑप्शन आ रहा है, यानी टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, वो सब कुछ आप यहां से कर सकते हो। इसके अलावा टिकर की स्पीड को आपको कम करना है ज़्यादा करना है वो यहां से कर सकते हो। सेपरेटर इमेज भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। यहां पर जो टेक्स्ट के बाद, यानी एक आपका टेक्स्ट प्ले हो गया, उसके बाद अगर बीच में आप अपनी कोई फोटो या इमेज लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहां पर लगा सकते हो। यहां पर फोल्डर पर क्लिक करके आप अपनी कोई भी इमेज यहां पर अपलोड करके उसे भी आप लगा सकते हो। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है किसी भी लैंग्वेज में आप यहां पर मैसेज लगा सकते हो। आप देख रहे हो यहां पर टिकर मैसेज है, यहाँ पर टिकर मैसेज आप ऐड कर सकते हो। यहाँ ऐड का बटन आ रहा है, ऐड पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज की टेक्स्ट को आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर पहले से ही कर रखा है, ये हिंदी का कर रखा है, मराठी का कर रखा है, पंजाबी, उर्दू, ये सब मैंने चेक करने के लिए, गुजराती वगैरह सब मैंने यहाँ पर ये कर रखे हैं। इसको भी आप उसी तरह से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है
कॉपी आउटपुट यूआरएल, इसको आपको कॉपी कर लेना है और उसके बाद वापस जाना है आपको अपने ओबीएस स्टूडियो में। तो यहां से आपको इस आउटपुट यूआरएल को कॉपी कर लेना है, उसके बाद ओबीएस स्टूडियो पर आना है। यहां पर मैं अपना कैमरा ऑन कर देता हूं और उसके बाद फिर से प्लस के बटन पर क्लिक करना है, ब्राउजर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर हम नाम दे देते हैं, मैं यहां पर दे देता हूं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो जो यूआरएल हमने कॉपी किया था उसे यहां पेस्ट करेंगे, उसके बाद विड्थ कर देंगे 1920 और हाइट कर देंगे 1080, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कुछ ही सेकेंड में हमारी ये जो टेक्स्ट यहां पर चल रही है वो यहां आपकी दिखाई देने लगेगी। अब आप देख सकते हो हमारी जो टेक्स्ट है, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है, वो यहां पर आ चुकी है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में, यहां पर दिखाई दे रही है। और उसी तरह से आप इसे यहां से अपडेट कर सकते हो। ये जो कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बार को इस तरह से करोगे तो आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हमारा कलर भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा टाइटल आ रहा है टेक्नो श्याम का, तो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर टेक्नो श्याम की जगह मैं इसे कर देता हूँ लाइव, लिख देता हूँ यहाँ, तो ये हमारा लाइव करके यहाँ आने लगेगा। ये देखो टेक्नो श्याम की जगह हमारा यहाँ पर लाइव लिख के आने लगा है। और जैसा कि मैंने बताया था, इसका कंट्रोल पैनल भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर जो कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ रहा है कॉपी कंट्रोल यूआरएल, इसे कॉपी कर लो और उसके बाद इस वेबसाइट को बंद कर दो। उसके बाद जो इसके कंट्रोल पैनल का यूआरएल हमने कॉपी किया था उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे, डॉक्स पर क्लिक करेंगे, कस्टम ब्राउजर डॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा जो क्रिकेट स्कोर बोर्ड वाला यहाँ पर जो हमारा लगा हुआ था वो इसी तरह से हम लगा रहने देते हैं। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, नीचे वाले में हम लगा देंगे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, यहाँ लिख देते हैं। और उसके बाद जो यूआरएल कॉपी किया था कंट्रोल पैनल का यूआरएल, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपका जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट का कंट्रोल पैनल था वो आपका यहां पर खुल जाएगा। अब आपको यहां पर कुछ भी चेंज करना है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग आप कर रहे हो, आप कुछ भी यहां पर टाइप करोगे सीधा आपकी की जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है उसके अंदर ये आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे इफेक्ट इसके अंदर लगा सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, यहां पर आपको ढेर सारे बहुत सारे ओवरलेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है, लाइब्रेरी पर क्लिक करना है और इसके अंदर बैठ के आराम से तसल्ली से आप सर्च करो कौन सा ओवरले आपको अच्छा लग रहा है, उस ओवरले को सिलेक्ट करो, कस्टमाइज करो और बस एक क्लिक के अंदर आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में इसे ऐड कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में ओवरलेज, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, स्कोरबोर्ड, लोअर थर्ड सब कुछ लगा सकते हो, पूरी तरह से फ्री है और इसे आप अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन किसी से भी यूज कर सकते हो। ब्राउजर सोर्स बस होना चाहिए और ब्राउजर सोर्स में आपको यूआरएल ऐड कर देना है और आपके ओवरलेज काम करने स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।